हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मैथ गुरु पवन वाघ। आवर टुडेज टॉपिक इज एरिया। इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज एरिया, एरिया क्या होता है। वी विल लर्न टू फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, वी विल लर्न टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरिया की। व्हाट इज एरिया? द अमाउंट ऑफ द स्पेस दैट अ फिगर इनक्लोजेस, मतलब वो स्पेस का वो अमाउंट या वो जगह जो एक कोई भी फिगर उसको कवर करके रखता है, उसको एक फिगर में इनक्लोज होता है। अभी आप देखते हैं रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल में ये जो पूरा ब्लू पोर्शन है, ये ब्लू पोर्शन जो है वो इस रेक्टेंगल का एरिया है। यहां हम देखते हैं यहां एक स्क्वायर है, इसका ये जो पूरा ऑरेंज पोर्शन है, ये ऑरेंज पोर्शन इस स्क्वायर का एरिया है। ओके, मतलब जो स्पेस एक फिगर कवर करके रखता है, एक फिगर के अंदर जितना स्पेस होता है वो। और वी ऑलवेज टॉक अबाउट अ क्लोज फिगर, यहां ये जो है ये क्लोज फिगर है। द नंबर ऑफ स्क्वायर इन इट दैट कवर्स अ शेप और फिगर। ओके, अभी हम बात करते हैं कि जो भी है, अब एरिया जब हम निकालते हैं तो हम उसको नंबर ऑफ स्क्वायर यूनिट में निकालते हैं। अब नंबर ऑफ स्क्वायर यूनिट कैसे? अब देखिए, यहां पर ये एक रेक्टेंगल है जिसको मैंने छोटे 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 स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया है। अगर हम बात करें कि फिर इसका एरिया कितना हुआ, इसका एरिया क्या होगा, तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ देखेंगे। वो लेंथ इसमें क्या है? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने स्क्वायर है इसके लेंथ में? 7। और यहाँ विड्थ में कितने हैं? 2। तो अगर हम इसकी बात करें, इसका एरिया क्या होगा? 7 × 2 = 14, 14 स्क्वायर यूनिट। तो कोई भी शेप का हम एरिया निकालते हैं तो उस शेप का एरिया हम स्क्वायर यूनिट में निकालते हैं। और स्क्वायर यूनिट में निकालने के लिए हमको पहले उस शेप को छोटे छोटे स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ता है। इट इज टू डायमेंशनल शेप एंड इट इज ऑलवेज आंसर इन स्क्वायर यूनिट। इसका हमेशा आंसर जो होगा वो स्क्वायर यूनिट में होगा। सपोज आपके पास में क्वेश्चन में दो यूनिट, समझो लेंथ देखे रखिए 7 सेंटीमीटर और ब्रेथ देखे रखिए 2 सेंटीमीटर, तो आंसर जो होगा वो 14 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। अगर ये दोनों जगह मीटर होगा तो हम आंसर में मीटर स्क्वायर मीटर में हम इसका एरिया निकालेंगे। तो जो भी यूनिट दी होगी, अगर कोई यूनिट नहीं होंगे तो सिर्फ हम लिखेंगे स्क्वायर यूनिट। यहाँ पर हम सिर्फ स्क्वायर यूनिट लिखेंगे, अगर यहाँ पर हमको यूनिट देके नहीं रखी है तो। और अगर यूनिट सेंटीमीटर में है तो हम सेंटीमीटर में आंसर लिखेंगे, मीटर में है तो मीटर में लिखेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि एक क्वांटिटी सेंटीमीटर में दी है और एक मीटर में दी है, तो फिर हम दोनों को एक सेम बना के करेंगे सॉल्व। सबसे पहले हम बात करते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर की। स्क्वायर का एरिया कैसे हम निकालेंगे? तो उसके लिए सिंपल सा फार्मूला है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड इनटू साइड। अभी अगर हम बात करें कि स्क्वायर क्या होता है, व्हाट इज स्क्वायर? वी हैव स्टडीड इन द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो और चारों एंगल राइट एंगल हो। तो यहाँ चारों साइड इक्वल है, तो जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो व्हाट वी हैव टू डू, ये साइड जो है इसका मल्टीप्लाई इस साइड में, साइड टू साइड। और हम ये भी लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। अब यह क्वेश्चन देके रखा है कि वन साइड ऑफ द स्क्वायर शीट ऑफ पेपर इज 18.2 सेंटीमीटर, मतलब स्क्वायर शीट जो है उसकी हमको साइड देके रखी है वो कितनी है, वो है 18.2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, हमें इसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हमें जो पता है वो लिखे हम कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो यहाँ साइड कितना है, 18.2 है, तो हम ये लिखेंगे 18.2 स्क्वायर, मतलब 18.2 का 18.2 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट 331.24। और इसका यूनिट क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो साइड का यूनिट है वो सेंटीमीटर में, तो हम एरिया ऑफ स्क्वायर स्क्वायर शीट क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 331.24 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक्सक्यूज मी, अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल की। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं, इसके लिए भी सिंपल सी बात है कि आपको फार्मूला देके रखा है, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। जो भी इसकी लेंथ होगी और जो भी इसकी ब्रेथ होगी, लेंथ में आपको ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ का आपस में मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। उसको शॉर्ट में आप एल इंटू बी भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ एक क्वेश्चन देके रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 20.2 मीटर एंड ब्रेथ
12.4 मीटर। अभी देखिए यहाँ लेंथ दे के रखी है हमको और ब्रेथ दे के रखी है, और लास्ट क्वेश्चन में देखा हमने यहाँ सेंटीमीटर था, अभी यहाँ पर मीटर है, तो अब दोनों एक जैसे होना चाहिए, दोनों क्वांटिटी या तो सेंटीमीटर में हो या मीटर में हो, और नहीं होती है तो फिर हम उसको कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लें कि इसका लेंथ कितना है 20.2 मीटर, ब्रेथ कितना है 12.4 मीटर। ओके, हमें क्या पता करना है, हमें एरिया पता करना है, तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अभी लेंथ की वैल्यू कितनी है 20.2 है और ब्रेथ 12.4, तो इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 250.48 हमें आंसर मिलेगा। लेकिन अब हम आंसर जब लिखते हैं, मैंने आपको बताया कि आंसर हम स्क्वायर यूनिट में लिखते हैं, तो यहाँ पर 250.48 स्क्वायर मीटर होगा, क्योंकि यहाँ यूनिट हमें देके रखी है, यहाँ यूनिट जो है वो मीटर है, ठीक है, तो स्क्वायर मीटर में ये आंसर होगा। हम और कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे, यहाँ क्वेश्चन देके रखा है हमें, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 223.86 स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी एरिया ऑफ रेक्टेंगल देके रखा है, ओके, इफ इट्स ब्रेथ इज 12.3 सेंटीमीटर व्हाट इज द लेंथ। तो हमें, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सो वी शुड गो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन में जो लिखा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 223.86 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो हमने पहले ये लिख लिया, देन हमें ब्रेथ देके रखी है 12.3 सेंटीमीटर। ओके, हमें पता क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो हम पहले, सबसे पहले फार्मूला लिखें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, और जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू हम यहाँ पुट करें, जो लेंथ की वैल्यू हम यहाँ पुट करें, ओके, और हमें ब्रेथ की वैल्यू यहाँ पुट करना है। तो अब इस 12.3 से या तो हम दोनों साइड डिवाइड कर दें, तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा ये, ओके, एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ लेंथ, दैट इज 18.2। ओके, अब 18.2 क्या होगा, 18.2 ये सेंटीमीटर में होगा क्योंकि लेंथ है। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, बहुत सिंपल सा है। आपको क्वेश्चन में या तो साइड दी होगी, अगर स्क्वायर होगा तो साइड दी होगी, आपको एरिया निकालना है, या तो फिर आपको लेंथ और ब्रेथ दी होगी, आपको इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल टाइप का ये क्वेश्चन है, और दो चार बार आप अगर आप समझ नहीं पा रहे तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, माई ईमेल आईडी इज ऑल्सो गिवन। ओके, आई होप यू एंजॉयड दिस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।